अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अता तारर साहब के साथ पीटीवी स्पोर्ट पे एक इंटरव्यू चला जनाब शोएब अख्तर साहब का। उन पर शदीद तनकीद की गई और ये कहा गया कि अख्तर साहब भी आखिर बिक गए हैं और बिके हुओं के साथ अवाम खड़ी नहीं हो सकती। अब इनके हवाले से सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना और इनके खिलाफ अवाम खुल कर सामने आई। उनका बयान हमारा एडिटर अगर आपको दिखा सके तो यहाँ हम लगवाना चाहेंगे, चंद सेकंड्स का है, देख लीजिए वो क्या कह रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर योर लीडरशिप। मिस्टर अता हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंड, ग्रेशियसली आस्क्ड मी टू कम बैक टू पीटीवी आफ्टर अ लॉन्ग ले ऑफ एंड आई हैप्पीली अग्रीड बिकॉज़ दैट इज अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय एंड हैज अ ग्रेट मिनिस्टर एंड हैज अ ग्रेट विजन फॉर द पीटीवी। एट द सेम टाइम यू नो ही वांट्स टू पीटीवी टू ग्रो लार्जर देन लाइफ एवर बिफोर। सो अगेन हैविंग सेड दैट, तो जनाब आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखी, अब वो देखिए कि कैसे अता तारर साहब ने उनको रिसीव किया था। एक साइड पे सिक्योरिटी अहलकार, फौजी अहलकार कुछ मौजूद हैं, दूसरी साइड पे शोएब अख्तर साहब का दरवाज़ा खोला जाता है, उन्हें फिर शानदार अंदाज में रिसीव किया जाता है। इस सब चीज़ से नतीजा जब अवाम यह खस करती है कि अच्छी बात है, इसी वजह से तो अख्तर साहब का दिमाग का स्क्रू ढीला हुआ और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई कि वो इनकी तारीफ़ें करते दिखाई दिए, नून लीग की और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें करते दिखाई दिए और शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। बहरहाल आप राय दीजिएगा, आपका कमेंट इस हवाले से अहम होगा और आज की वीडियो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लें।